नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत बना दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश, किसानों ने की रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार। केले में कोरोना रोग बना किसानों के लिए मुसीबत, उपचार नहीं मिलने से छोड़ रहे हैं बागवानी। हरियाणा में पराली बेचने पर किसानों को मिलेंगे 5-6 हजार रुपए। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब समस्या नहीं है पराली, किन्नू की खेती के लिए है बेहद ही उपयोगी। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्म सिंचाई, बिना 35 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं किसान। रबी फसलों की तैयारी शुरू कर दे किसान, बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए नमी का रखे ध्यान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। और कृषि प्रधान देश कहा जाने वाला भारत 21वीं सदी में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। दुनिया के शीर्ष गेहूं और चावल उत्पाद देशों में शुमार भारत ने अब चीनी उत्पादन के मामले में अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है, जिसके तहत भारत दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश बन गया है। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा को देश के किसानों ने सफल बनाया है। मसलन देश के किसानों ने इस बार देश में रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार की है, जिसके चलते भारत दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश बनने में सफल रहा है। वही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करते हुए किसानों को बधाई दी और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना भारत। चीनी सत्र 2021 और 22 के दौरान भारत ने किसानों से गन्ना खरीद, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना भुगतान के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि देश में इस सीजन रिकॉर्ड गन्ने का उत्पाद हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक के गन्ने का उत्पादन हुआ है, जबकि 2021 और 22 में देश के अंदर 419 मीट्रिक टन गन्ने के उत्पादन का अनुमान जारी किया गया था। केले में लगने वाली बीमारी कोरोना रोग से किसान परेशान है और अभी तक उपचार नहीं होने की वजह से किसान बागवानी छोड़ रहे हैं। केले में लगने वाली इस बीमारी को केले का कोरोना रोग भी कहा जाता है। अभी तक इस बीमारी को कोई भी उपचार नहीं खोजा जा सका है, बस किसान बचाव के लिए प्रभावी उपाय अपना सकते हैं। केले में लगने वाली इस बीमारी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। जलवायु परिवर्तन एवं विविध कारणों की वजह से बिहार के कटिहार जिले में भारतवर्ष में सर्वप्रथम बोनी प्रजाति के केला में पनामा विल्ट रोग वर्ष 2015 में पाया गया था। मौजूदा समय में पनामा विल्ट केले की एक प्रमुख बीमारी है जो केला की उपज को प्रभावित करती है। किसानों के लिए अच्छी खबर है, खरीफ सीजन अपने पिक पर है, जिसके तहत इन दिनों अगेती किस्म के धान की कटाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही एक बार फिर धान की पराली का समस्या किसानों के लिए चुनौती बनकर उभरी है। बता दें कि धान की पराली का निस्तारण करने के लिए किसान पराली को खेत में ही जला देते हैं, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है, तो वही पराली का धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है और बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे में सरकार सही ढंग से पराली मैनेजमेंट को लेकर कई योजनाएं चला रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने पराली का प्रयोग खोज लिया है, जिसके तहत किन्नू की खेती करने वाले किसानों के लिए पराली बेहद ही उपयोगी साबित हुई है। इस बार हरियाणा में किसानों से पराली की प्राइवेट खरीद होगी। दरअसल इस बार व्यापारियों को सूखे चारे की दिक्कत हुई थी, ऐसे में इस बार सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को पराली खरीदने का निर्देश दिया है। इसमें सबसे ज्यादा बासमती के पराली पर 6 हजार रुपए मिलेंगे। बता दें कि खरीफ फसलों की कटाई के वक्त हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, वही दिल्ली NCR और उसके आसपास के शहरों में वातावरण प्रदूषित सा हो जाता है। हरियाणा से भी हर साल खेतों में पराली जलाने के मामले दर्ज किए जाते हैं, हालांकि इस बार खट्टर सरकार पहले से ही सतर्क है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की दो किस्मों को लेकर गेहूं की नई किस्म K1616 विकसित की है, जो एक संकर किस्म है, तो वही इस किस्म की फसल को सिंचित कर किसान इससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर गेहूं की K1616 किस्म को दो सिंचाई मिलती है तो यह 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। राज्य में अब रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक किसानों को 20 अक्टूबर के बाद रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की अगेती किस्म की बुआई करने की सलाह दे रहे हैं। किसान इन दिनों गेहूं के बीज जुटाने में लगे हुए हैं, ऐसे किसानों के लिए बेहद ही शुभ सूचना है।
गेहूं के तरह तरह के किस्मों के बीच वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसमें कई सारे गुण हैं। मसलन गेहूं की यह किस्म बिना सिंचाई के ही एक हेक्टेयर में 35 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके उन्नत किस्में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अग्रणी, पूसा तारक और पूसा महक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करके कहा कि वो हल्की वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए फसलों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। रबी फसलों के तैयारी के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाए ताकि मिट्टी से नमी का हास ना हो। रबी फसलों की बुआई से पहले किसान अपने अपने खेतों को अच्छे प्रकार से साफ सुथरा करे। मेंढो नालों, खेतों के रास्तों तथा खाली खेतों को ठीक रखे ताकि कीटों के अड़े और रोगों के कारक नष्ट हो सके। मैसी फर्ग्यूसन टाफेला 11 अक्टूबर को प्रगतिशील किसान सभा को संचालित करने जा रहा है। क्या आपके मन में भी ट्रैक्टर को लेकर उलझन रहती है कि कौन सा ट्रैक्टर आपके खेतों के लिए बेहतर होगा? कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदने से पहले हर छोटे बड़े चीजों को ध्यान से देखता है और परखता है ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। इसी कड़ी में मैसी फर्ग्यूसन 11 अक्टूबर को संचालित करने जा रहा है। प्रगतिशील किसान सभा, जिसका आयोजन किसानों के बीच पिछले 26 सालों से काम कर रही कंपनी कृषि जागरण करेगी। मैसी फर्ग्यूसन टाफे के सुनहरे सफर की ओर नजर डाले तो यह कंपनी पिछले 63 सालों से किसानों की बेहतरी की दिशा में काम करती आ रही है। यह कंपनी किसानों को 18 से लेकर 75 हॉर्स पावर रेंज तक के ट्रैक्टर उपलब्ध करवाती है ताकि किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और राज्य में बारिश का दौर जारी है। आने वाले 2-3 दिनों में कई राज्य में बरसात होगी। मौसम विभाग ने देश भर में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। बारिश का ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक और रहने वाला है। देश भर में अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है। देखा जाए तो आज सुबह से दिल्ली NCR में हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है और साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। बता दें कि दिल्ली में देर रात को हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में तापमान लगभग 7 डिग्री तक गिर गया है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अगर मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 11 अक्टूबर 2022 तक बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है। और आज FTB के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है और आपके ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, राजमुंद्री, शिमला, कटक। तो देरी किस बात की, फटाफट इसका जवाब आप हमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिस्ट के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। और फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। कृषि से जुड़े और अपडेट्स के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।